ना मुझे मनमोहन सिंह ने अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनी, महात्मा जी कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़, आवाज़ उन्होंने पूरी तरह सुन लेना चाहिए। वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उनका ये किया था, स्टैम्प निकाल कर सम्मान किया था, मगर वो खाली किस पुरुष का सम्मान के लिए नहीं था। इंदिरा गांधी, मैं कहता हूँ कि सचमुच सावरकर की फॉलोअर थी। इंदिरा गांधी ने भारत को न्यूक्लियर कैपेबल नेशन बनाया फर्स्ट टाइम, ये कोई गांधी की फिलोसॉफी के टोटल अगेंस्ट है। इंदिरा गांधी ने मिलिट्री ऑप्शन का यूज़ करते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, बांग्लादेश की निर्माण किया, ये नेहरू के आई डोंट रिक्वायर एनी मिलिट्री के टोटल अगेंस्ट है। उन्होंने तो मिलिट्री को स्ट्रेंथ किया। अब ये जो सब है, एटॉमिक ऑप्शंस, न्यूक्लियर ऑप्शंस और आर्मी का यूज़, क्योंकि सावरकर कहते थे कि बॉर्डर सेफ रखना है तो वो कागज़ पे बॉर्डर नहीं आ सकते अब पेन से, उसको तो तलवार की नोक पर बॉर्डर अब आखी जाती है। तो उनका जो तत्व था कि शत्रु से ज़्यादा हम सामर्थ्यशाली हो तो शत्रु हम पे आक्रमण नहीं करेगा, तो ये सब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आज भी हमारी कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो आज हम पे आक्रमण नहीं होता है। तो ये सब प्रिंसिपल सावरकर जी के ही इंदिरा गांधी ने फॉलो किए थे, ये गांधी और नेहरू के नहीं थे, ये कांग्रेस वाले समझ